tere bahane. उठाना बुलाओ मेरे फोन से लगाया है उधर से. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. खाता हूँ 2 किलो बकरा. मेरा नाम है ऑस्टिन लगरा. तो गाइस, फाइनली आज हमारा आखिरी दिन है और अभी आखिरी दिन में हम लोग बाहर निकले हैं काफ़ी सुबह सुबह. आज हमारा प्लान वैसे तो था सनराइज़ देखने का, बट सन अगर राइज़ हो जाता है तो नहीं देख पाएंगे. तो फिर इसके बाद अभी चलेंगे गाइस वहाँ पर. दोस्त लोग बोल रहे हैं कि नहाएंगे हम लोग पानी पे. मैं नहीं नहाऊँगा क्योंकि गाइस समुद्र का पानी खारा रहता है और नमकीन पानी में नहाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि गाइस मतलब समुद्र में नहा के और भी हॉट हो जाता हूँ गाइस, इसलिए मैं नहीं नहाऊँगा. सो दैट्स द रीज़न गाइस. जहाँ भी घूमेंगे वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे और इन्जॉय करने की कोशिश करेंगे गाइस. जो भी चीज़ होगा दिखाएंगे. इसके बाद रात के 9 बजे हमारा ट्रेन है, तो बैठ के वापस रायपुर की और निकल पड़ेंगे गाइस. तब तक के लिए चलिए हमारे साथ बने रहिए दी ऑस्टिन लकरा के साथ. खाते रहिए बकरा. ओके तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे बीच पे, आर के बीच पे. आज सुबह सुबह सनराइज़ तो मिसिंग हो गया क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ लेट कर दी, लड़के भी लेट कर दे, वरना मैं तो 5 बजे 4 बजे उठ गया था. ठीक है, तो लड़कियों को दुआई देना चाहूँगा. बाय. तो यहाँ पे फिश मार्केट में ये लोग लेके आ गए हैं और इतना महक रहा भाई क्या बताऊँ मैं. पूरा फिश मार्केट एकदम बहुत गंदा, इतना ज़्यादा भाई सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत खतरनाक गाइस, बहुत खतरनाक वाला गंदा सा लग रहा है गाइस. नहीं सका रहा है, देख रहे हो गाइस मुझे पैक होना पड़ा क्योंकि फिश मार्केट जो है ना गाइस इधर खोल सकती है, बहुत ही खतरनाक चीज है यहाँ. फिर मैं आपको फिश दिखाऊंगा कैसे कैसे दिख रहे हैं. ये देख सकते हैं सूखा फिश, पूरा मछली का मार्केट बहुत बड़ा. पूरा इधर आपको फिश ही मिलेगा गाइस काफ़ी ज़्यादा. ये भाई बड़े बड़े बोट पड़े रहते हैं गाइस, जहाँ से मछली को लाया जाता है हिंसू मार के. फिर ये पूरा मछली का मार्केट है, पूरा यहाँ पर बेचा जा रहा है, पूरा सुकटी बना के हर एक चीज़ों का. ठेला में कैसे भर के रखा गया है दोस्तों, पूरा बेलचा वलचा से ऐसे करके. ये फिश कैसे उठाया जाता है, ये भाई साहब कैसे खतरनाक फिश है. सीप है, पूरा मछली मार्केट. मूवीज वगैरह भी शूट करते हैं, खतरनाक. इसको चपटा चपटा कर दिया गया पता नहीं क्यों, क्या यूज आता है नहीं पता. फाइनली दोस्तों फिर से आ गए हम लोग ऋषिकोंडा बीच. ठीक है, कल भी आए थे पर कल मैं कुछ बनाया नहीं था. ठीक है, तो फिर आज वापस से आ गए, तो फिर इन लोगों को नहाना है, मेरे को नहीं नहाना है बिकॉज मेरे को नहीं नहाना है, बस बात खत्म. ठीक है, तो काजल यहाँ पर देख सकते हो क्या लेके आई है. ये काजल भाई, काजल भाई के आगे कोई नहीं कुछ बोल सकता है, सॉरी. देख सकते हो गाइस आज होली है और होली में भी कितना ज्यादा भीड़ है, मतलब भयंकर भीड़ भाई साहब. होली खेला जा रहा है यहाँ पर भी. वी ईट स्वीट कॉर्न, तो हम इसको बनाएंगे गाइस. फाइनली हम लोग स्वीट कॉर्न यहाँ पे खाना था, इसलिए हम लोग स्वीट कॉर्न अब खा रहे हैं. 30 रुपीज का था, देन फिर हम लोग खा रहे हैं 20 रुपीज. हाँ हाँ ओके ओके.
सकते हो ये लोग खा रहे हैं इडली और कोंडा, ठीक है, क्योंकि बोंडा, सॉरी मेरे को लगा रूसी कोंडा, तो ये लोग खा रहे हैं गेंडा। रूसी कोंडा में खा रहे हैं मोंडा। और देख सकते हो मेरे फ्रेंड प्यारे प्यारे निकिता, जिससे हम प्यार करते हैं, वो खा रही है भुट्टा। यशवंत जो कि मारना चाहता था सुट्टा, पर ये भी खा लिया भुट्टा। और ये नवीन नाग है कुत्ता। गाइस यहाँ पे देख सकते हो होली का माहौल है और सबको एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं कलरफुल होने के लिए। पूरा होली होली वाला माहौल और बीच में पूरा होली खेला जा रहा है गाइस, बहुत ही खतरनाक तरीके से चारों तरफ। सब कोई होली के रंग में रंगे हुए हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे कलर बिक रहा है, ठीक है, कलर और अंडा। अंडा इसलिए गाइस, अंडा वाला होली जिनको खेलना है वो, पर हमको तो अंडा खाने के लिए नहीं मिलता है गाइस, तो फिर कहाँ से हम लोग खेलेंगे। तो फिर यहाँ पर कुछ खरीदारी चल रहा है, कोई फॉरेन का बंदा है, ये कुछ खरीदारी करना चाह रहा है, यहाँ पर अंग्रेजी में बात कर रहा है और ये लोग ना मैंगो गिरा दिए या फिर हवा से गिर गया गाइस। ये फॉरेन का बंदा है जो कि बहुत गंदा दिख रहा है। आए थे तो बस उतना ज्यादा भीड़ नहीं था गाइस, पर देखते देखते इतना भीड़ हो गए हैं भाई साहब कि यहाँ पर गाड़ी रखने के लिए भी जगह नहीं है और सब के सब रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ पर इस बात का डर नहीं है कि कोई रंग लगा देगा, मतलब किसी को लगा नहीं रहे। मैं रेस में हूँ अभी। Ah!